नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल EBD पाठशाला पे। दोस्तों, RRB ग्रुप डी का जो है आपका ऑफिशियली आंसर किया और साथ ही साथ उसका रिजल्ट डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। पहले जो है आपका 11 जनवरी को आंसर किया आने वाला था और उसके बाद जो है फरवरी में आपका जो है ऑफिशियली डेट नहीं जारी किया गया था कि किस दिन आपका जो है रिजल्ट आएगा, लेकिन इस बार जो है ऑफिशियली डेट जारी कर दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट किस दिन घोषित होगा और आपका जो है आंसर किस दिन घोषित होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, हम लोग पूरी बातों को डिस्कस करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं NDTV न्यूज़ में आई है जो न्यूज़, जिसमें बताया गया है कि आपका जो ऑफिशियली आंसर की और रिजल्ट कब जारी किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए क्या, ताकि सभी को सही जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या छपा है और कब जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं NDTV इंडिया यानी NDTV में ये न्यूज आया है जिसमें लिखा हुआ एक्सक्लूसिव RRB ग्रुप डी रिजल्ट फरवरी में इस दिन होगी जारी, जानिए पूरी डिटेल यानी पूरी जानकारी जानिए। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो है 11 जनवरी जनवरी को यानी कि कल आपका जो है रिजल्ट आंसर की घोषित कर दिया जाएगा ग्रुप डी का, जिसमें आप लोग 9 बजे के बाद अपना आंसर की चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने अपने जोन में। जैसे आंसर की चेक होने लगेगा मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको जो है तुरंत पता चले आप तुरंत अपना आंसर की मिला। उसके बाद आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि जो है आपका कितने कट ऑफ जाने वाला है किस जोन में। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उसको कमेंट कर पाए नीचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अब जो है रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा। तो RRB ग्रुप डी रिजल्ट 18 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। ग्रुप डी की परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चली थी। ग्रुप डी के 62,907 पदों पर 1.89 करोड़ उम्मीदवार ने आवेदन किए थे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है रिजल्ट ग्रुप डी का 18 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है NDTV न्यूज़ में, आंसर की जो है आपका 11 जनवरी को, और रिजल्ट देख रहे हैं रिजल्ट 18 जनवरी को जारी किया जाएगा। और ये आपका पूरा न्यूज़ दिया हुआ है। आगे हम लोग न्यूज़ में देख लेते हैं आर्टिकल जो छपा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की आंसर की RRB ग्रुप डी आंसर की 11 जनवरी को जारी कर देगा। RRB में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंगराज मोहन ने NDTV को बताया कि आंसर की जो है आपका RRB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंगराज मोहन ने NDTV को बताया कि आंसर की RRB आंसर की 11 जनवरी को जारी की जाएगी, जबकि परीक्षा का रिजल्ट RRB ग्रुप डी रिजल्ट 18 फरवरी को जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 फरवरी को आपको जो आंसर किया रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जो इंतजार खत्म हो गया, आपको ऑफिशियल डेटा मिल गया कि कब जो है आपका रिजल्ट आने वाला। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि उम्मीदवार को अधिकांश संख्या के चलते रिजल्ट जारी करने में देरी हुई। बता दें कि ग्रुप डी की परीक्षा 17 नवंबर से शुरू कर 17 दिसंबर तक चली थी। इसमें 400 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 62,907 पदों के लिए 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आवेदन कर देने के कारण यहाँ पर जो है रिजल्ट निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा देरी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कैसे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो ये आपका स्टेप दिया हुआ है, उम्मीदवार RRB अपने जोन के वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद वेबसाइट पर दिए गए ग्रुप डी के रिजल्ट के लिंक को क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जन्मतिथि डालें, उसके बाद कैप्चा डालें, उसके बाद अपना रिजल्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यह था आपका ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में कि कब उसका रिजल्ट ऑफिशियली डेट अनाउंस किया जाएगा। तो आपका 18 फरवरी है, और कब आंसर किया जाएगा तो 11 जनवरी है। तो ये आपका पूरी न्यूज़ जो है आपका जो है पूरे जानकारी के साथ है। और मैं इस न्यूज़ का जो है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इस न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।